अरे अरे अभी नहीं अभी हमारा फ्रेम खराब हुआ तो ठीक करवा देंगे। अरे अरे सही में, अरे सही में, अरे अरे चले तस्वीर आ गया है पट्टा। अरे रुके रुके आगे आगे मत जाओ, यहीं रुको यहीं रुको यहीं रुको यहीं रुके यहीं रुके सामने से हम लोग नहीं पढ़े ना, कितना इज्जत से आइए इधर आइए सिपाही जी, तो हटिए सामने से। अरे नहीं हम लोग पढ़ेंगे, हटिए सामने से, चलिए यहीं पर चलिए। अरे कटवे देने दीजिए, ठीक है दूर दूर बस 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 आगे आ जाएंगे, यहीं से आगे आ जाएंगे। अरे यहीं से फिर निकाल देगा एयरपोर्ट वाला, माइक नीचे करो। अरे यहीं से, अरे आगे नहीं करो, कैसे कैसे रख लो तेरे देखिए ये इधर पीछे वाला कहां था, हमने पहले ही ये कहा था। ए लाशुटी सभी वर्करों सभी नेताओं को मध्य में चुनाव की तैयारी होगी, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही अपने लोगों को बताया। जो 16 साल की नीतीश कुमार जी और बीजेपी की जो सरकार है वो बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इसको बिहार को इन लोगों ने बेरोजगार और मजबूर बना दिया। हम लोग बार बार कहते रहे हैं ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं और अभी तो कुछ निर्णय हैं बीजेपी को जो नीतीश कुमार जी से कराने हैं उसके लिए रस्साकसी चल रही है। लेकिन हम फिर से इस बात को कह रहे हैं जो हमने पहले भी कहा था कि चुनाव जो है जो इतिहास रहा है, हम लोगों ने 4 साल में 4 सरकारें भी देखी हैं, प्योर मेजॉरिटी के बाद भी चोर दरवाजे से भी सरकार बनते हुए देखा है। इस बार तो खुलेआम जो जनादेश चोरी हुई और जो बिहार के लिए जो गठबंधन जो बिहार सरकार जो 16 साल से चल रहा है नीतीश कुमार जी का, ये पूरी तरीके से अभिशाप के रूप में छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, जीविका दीदी हो, संविदा कर्मी हो, सरकारी कर्मचारी हो, सभी लोग बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी से त्रस्त हैं। आपने पूर्णिया में भी दमदाहा में भी देखा होगा कि पूरी गांव जो है भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे तक लगाने का काम किया। तो ये सरकार इनमें क्या चल रहा है, सत्ता के लोभी लोग हैं और सत्ता के लोभ में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया और ये लोग अभिशाप। आरजेडी के कई नेता ऑफर दे चुके हैं तेजस्वी जी, क्या आपको लगता है कि वो दिन वापस आएंगे? कोई ऑफर कोई नहीं दे सकता है। राष्ट्र अध्यक्ष का पहले से ही हम मिल के आए थे और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हमने तो सार्वजनिक तौर पर हमने कई बार कहा है जब बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है, कोई दरवाज़ा खोलने और बंद करने की बात नहीं है, ये सवाल ही गलत है। जिसका कोई नीति नहीं, सिद्धांत नहीं, विचारधारा नहीं, जो गरीब के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, नौजवान के लिए नहीं है, तो इसलिए हम लोग सब लोग जो है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई तालमेल की बात है। आपने तो साफ तौर पे देखा होगा ना, जो चेहरा का कमाल दिखाने वाले लोग कौन से नंबर की पार्टी रह गए। ईमानदारी से अगर जो जनता का जो जनादेश होता तो ये जदयू तो 4th नंबर की पार्टी है, लेकिन 3rd नंबर की पार्टी तो चुनाव आयोग ने मनाया है। सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, तेजस्वी जी सद्बुद्धि मांग रहे हैं, नित्यानंद राज कह रहे हैं कि वैक्सीन पर सवाल उठाना, वैक्सीन पर सवाल उठाना गलत है, सद्बुद्धि दे लोगों को, विपक्ष को। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि वैक्सीन पर कौन सवाल उठा, जो प्रक्रिया है वो सरकार करेगी। नित्यानंद राय ने कहा कि 30 साल वैक्सीन बनाने के लिए, कोनो नित्यानंद तो नहीं गए थे वैक्सीन बनाने, या बीजेपी के लोगों ने तो वैक्सीन नहीं बनाया है।
ये तो जो रिसर्चर हैं, मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं, जो हेल्थ के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट और वैक्सीन बनाने का काम करते हैं, जो उन लोगों का बनाया हुआ है, और अभी तो बना है नहीं बना है, अभी तो पूरा प्रक्रिया पूरी हो तो जाने दीजिए। चलिए 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 चलिए।